परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ दूसरा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तद्वितीयोऽध्याय संजय उवाच तं तथा कृपया वेष्ट मास्तु पूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच उत स्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजोष्टमस्वर्ग न कीर्तिकरमर्जुन लैव्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षोद्रं हृदयदौर्बल्यं
त्यक्तोति सवरन्तव। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणां च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोक्ष्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरुनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीपान्। न चैतद्विद्वा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव त्वान जिजीविषामा एव स्थितः प्रमुखे धार्तराशा। कार्पण्यदोषो वहत स्वभाव प्रेत्स्यामि त्वां धर्मसामूढसेवा यस्यान्वेष्टितं द्रोहितान्वे शेष्यस्येऽहं साधिमान् त्वं प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनोऽव्यत् यत्सोकमुत्सोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। त्वमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। त्वमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं 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 हरे शरणं।
राम। यह प्रवचन परम सिद्धेश स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 24 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो मंत्री। भगवद गीता में आरम्भ की बात ये कहते हैं, शोचानंद शोच तुम प्रज्ञावादा से भाषती कथा सुन अकथा सुन से नाम सोचती पंडिता। नहीं शोक करने लायक के लिए तो शोक करता है और बातें बड़ी पंडिता की बढ़ाता है। पंडित होते हैं वो मर गए उनके लिए जीते उनके लिए शोक नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? एक बात तो ये आई गई, जीते हुए भी नहीं करते, मरने वाले की भी शोक नहीं करते। तो जीने और जीते होने में शोक कौन करता है? शोक तो मरने वाले का होता है। गीता ने गता सुन अगता सुन कथा सुन जिसके प्राण चले गए उनके लिए भी और अगता सुन जिसके प्राण नहीं गए जीते उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। तो अब ध्यान दे दो, उत्तर दिया जाता है। आज शोक चिंता ज्यादा होती है तो जीते हुए की होती है, मरने वाले की नहीं होती है। ये जीते माँ बाप का पालन कैसे करेंगे, बच्चों का पालन कैसे करेंगे, स्त्री का पालन कैसे करेंगे, कुटुंबों का पालन कैसे करेंगे, इनका निर्वाह कैसे होगा, ये जो चिंता है ना, ये जीते हुए जीने वालों की है। तो मर गए तो उसकी चिंता भी मर गए, वो तो शोक थोड़ा होता है। घनी चिंता घना शोक तो जीने वालों का ही होता है। क्या उनका पालन पूर्ण करना, बच्चों का ब्याह शादी आदि करना, तरह तरह चिंता रहती, उम्र भर रहती। तो अगता सुन भी चिंता नहीं करते पंडित होते हैं, और गता सुन भी जो मर गया उनकी भी शोक होता ही नहीं है। असोच आनंद सोचे सुन असोच है, चाहे गता सुन हो चाहे अगता सुन, मानो मर गए हो चाहे जीते हो, किसी की चिंता नहीं करते। तो चिंता करना है ना, ये गलती की बात है। इनका काम करना, इनकी सेवा करना, इनको सुख पहुंचाना, इनका भला करना, लोग और परलोक न बिगड़े ऐसा विचार करना, उसके लिए प्रबंध करना, ये तो ठीक है, ये तो कर्तव्य है। परंतु चिंता करना क्या फायदा? चिंता करना बिल्कुल निरर्थक है, चिंता से कोई फायदा नहीं है किसी तरह का भी। चिंता हो जाती है, हो जाती है तभी तो कहते हैं नहीं करना चाहिए, कैसे करते नहीं, होती है, होती है तो अनजान प्रेस होती है ना। नाम सोचल पंडिता, पंडा नाम है बुद्धि, जिसकी विवेक वसी बुद्धि है उसका नाम पंडा है। वो बुद्धि जिसके पैदा होगी है सत असत का ठीक निर्णय करने वाली बुद्धि है, वो भी शोक नहीं करते। होना जो होगा, करने में सावधान होना चाहिए, होने में प्रसन्न, दो ही बात है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। होने में प्रसन्न रहने से निहाल हो जाए मनुष्य, और करने में सावधान रहने से, दो बात है खास जीने की। करने में हरदम सावधान रहे, अच्छी तरह से सुचल रूप से काम करे, जो काम करे ठीक समझ समझ करे, विचार पूर्वक करे, उसमें करने में
अपनी बुद्धि बढ़ाता ही रहे, विवेक उसमें बढ़ाता ही रहे, उसकी युक्तियां सोच करके समझदारी को बढ़ाता ही रहे। और हो जाए वो तो भाई होना है, होना रहे हो तब हो तो बड़ो बली, हो तब हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार, कि न मानी मानी नहीं होनहार से हार, होनहार से हार माननी पड़ती, होनहार क्या करोगे, तो होनहार से ही होगा, उसकी चिंता करने से क्या फायदा, वो तो होकर रहेगा, चिंता करो तो होगा, राजी हो जाओ तो होगा, आप विचार नहीं करो तो होगा, विचार करो तो होगा, होना है वो तो होगा, अब सूर्योदय होगा वो तो होगा ही, सूर्यास्त होगा वो होगा ही, क्या राजी क्या ना राजी है, ऐसे पैदा होने वाला बालक होगा, उसके लिए भी क्यों आड़ लगाओ, क्यों प्रसन्न कराओ, ये बहुत गलती की बात है, गलती बात ना करें, हो जाएगा निर्वाह हो, कैसे होगा, किसने सोचा, सबका होता है ना, यही हो जाएगा, वो भी होगा सत्य होगा, निर्वाह निर्वाह की भी चिंता की जरूरत नहीं है, निर्वाह के लिए चेष्टा करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, ये तो बात है ठीक, चिंता क्यों करो, चिंता करने से अगर धन पैदा हो तो अपने किसी के धन नहीं है उसके ध्यान बैठो, 5-7, 10-15-20 आदमी इकट्ठे हो गए और चिंता करो, एक आदमी चिंता से पैदा हुए 20 आदमी और चिंता हो ज्यादा होगा, 100 का सुख चिंता हो जाएगी, फायदा क्या होगा, बुद्धि सो के नश्यति, चिंता से बुद्धि नष्ट होगी, शरीर बीमार होता है, चिंता से बीमारी बढ़ जाती है, प्रसन्न रहे बीमारी अपने पर अधिकार नहीं जमाती, हावी नहीं होती, चिंता न करे, क्यों नहीं करे तो अगड़ी बात बताते है, न त्विवाह जातु नाशम न त्वम नेमे जराधिपा न त्रिवन भविष्याम सर्वे वयमसा परम, इस बात है ये कि कोई ऐसा समय नहीं था कि जिस समय में मैं नहीं था, और ये अर्जुन कोई ऐसा भी समय नहीं था कि तू नहीं था, और इसके बाद तू मैं और राजा लोग नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है, ना तो ऐसा मैं नहीं था ये, ना तू नहीं था ये, ना कोई राजा लोग नहीं है, ये बात नहीं है, ये तो सदा से थे, और अतः पर इसके बाद में मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा, राजा लोग भी रहेंगे, तो ये जो रहेंगे बात बताइए ना, इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें, और आपके हमारे समझ जारी हुई बात है, कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो कौन रहेगा, इसमें जो जीवात्मा है ना वो रहेगा, सही नहीं रहेंगे, भगवान ने यहाँ एक विलक्षण बात कही है, अपने आप को संपूर्ण प्राणियों के साथ एकता करके कहा है, अपनी विलक्षणता नहीं बताई है, जैसे चौथे अध्याय में भगवान ने बताई कि भाई बहुने में विशेषा ने जन्मानी थोथा रोना, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए, हमारे भी बहुत जन्म हुए, यहाँ तो साथ है, यहाँ सबके साथ में, तान्यम वेद सर्वानी दत्तों वेद, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता, ये फर्क कर लिया, यहाँ फर्क नहीं किया कुछ भी, ये फर्क नहीं, मैं नहीं था ऐसी बात भी नहीं, तू नहीं रहेगी ये बात भी नहीं, राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं, मानो इसमें दो चीज, एक तो है शरीर, एक शरीर धारण करने वाला है, दो है, सो शरीर धारण करने वाला तो है नित्य, शरीर है अनित्य, ये खास बात है, और नित्य अनित्य का विवेक ही है इस प्रकरण का अर्थ, तात्पर्य यही है, 20 श्लोक है, 11वें श्लोक से 13, 30वें श्लोक तक
ये 20 श्लोक है, 20 श्लोकों में ये दो ही बात बताई है। सही तो अनित्य है, नाशवान है, और इसमें जो स्वयं है वो नित्य है, वो अविनाशी है, ये बात का विषय है 20 श्लोकों। वो मूल बात यह बताई किसी आत्मा की, तो आत्मा की दृष्टि से असोच्य है क्योंकि रहेगा ही, और अंत अंत अंदाज बताएगा गाड़ी शरीर को लेकर। दोनों श्लोक है, दो श्लोक तो आत्मा की नित्यता बताने वाले है, दो शरीरों की अनित्यता बताने वाले है। और एक भाई 5 श्लोक 15 श्लोकों का प्रकरण है, 3-5 श्लोकों का। तो वो आत्मा नित्य है, ये बड़ी सीधी बात है। आप हम सब बैठे हैं, विचार करें भाई, अगर पाप करो तो अगाड़ी पाप का दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य करो तो पुण्य मिलेगा, अगाड़ी सुख होगा। तो अगर हम रहेंगे तभी न सुख होगा, अगर दुख भोगना पड़ेगा तो हम रहेंगे तभी न दुख होगा। तो हम रहेंगे ये बात पक्की, हमारे व्यवहार से सिद्ध है। श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, दान पुण्य करते हो बड़े लोगों के लिए, तो उनका होना पड़ा मानते हो तभी तो करते हो। इस बात पक्की व्यवहार में आती है। अब इसमें देखो, जीवात्मा स्वयं और शरीर इन दोनों को मिलाकर एक करना ये अज्ञान, और इन दोनों को अलग अलग मानना ये है ज्ञान। इतनी बात है, लंबी चौड़ी नहीं है, कितनी सुगम बात है। तो स्वयं जो है हम है ऐसे ही, सब आत्मा सबकी नित्य है, नहीं तो श्राद्ध का तर्पण किसे करते हो, दान पुण्य करते हो उनके लिए, उनके सुख हो, पर लोक में भी दुख न हो, कष्ट न हो। तो ये है ना, मरने के बाद भी है, और पहले भी थे जिनकी हुए कर्मों का फल आज भोगते हो, और अभी कर्म करते हैं तो अगर ही भोगना पड़ेगा। तो पहले भी थे, पीछे भी रहेंगे, अब भी हैं। तो आत्मा की नित्यता है ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। खास बात ध्यान दीजिए, सत्यवाम जात श्लोक न तुम ने मी जना दीपा नसी उन श्यामा सर्वे वय मता परम, इसके बाद भी हम रहेंगे। कैसे है तो बात दृष्टांत देख समझाते हैं। देहिनो अस्मिन यथा देह, देही के देही देह धारण वाला इन देही हुआ, और धारण किए जाते वो देह हुए। देही के ये देह है, देह नोस्मिन यथा देह, देही के इस देह में कौमारम योगजम जरा, तीन अवस्था होती है। एक कुमार अवस्था होती है, एक युवा अवस्था होती है, और एक जरा अवस्था वृद्धावस्था होती है। तो बालक से जवान हो जा तो कोई चिंता करते हैं, क्या शोक होता है, बालक से जवान हो गया तो हो गया, ये तो होगा ही, शरीर है जीव है तो होगा भाई, मर जाए तो बात कर रही है, मर जाएगा तो चलेगा, वो तो बदलेगा ही, इसमें क्या बात है, मर तो ही बदलता है, जीव तो ही बदलता है, ये तो बदलेगा। तो देह नो अस्मिन देह, देह के इस देह में जो स्थूल देह दिखता है, इस देह में कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था वृद्धावस्था जरावस्था होती है, जैसे होती है ना तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे गुरुदेश की प्राप्ति हो जाए, जैसे बाल अवस्था से जवान हो गया, जवान से वृद्ध हो गया, वृद्ध पर बालक हो गया, कहीं जन्मे गा तो नहीं, बालक होकर जन्मेगा ये तो बालक हो गई, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे पौधा हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई हो, बालक अवस्था से जवान, जवान अवस्था बूढ़ा, बूढ़ा अवस्था सब जवान, जवान फिर बालक फिर बूढ़ा फिर जवान,
जन्मना मरना के मरना के जन्मना जन्मना मरना मरना जन्मना तो मरना जन्मना ये अनित्य हुआ, परंतु इस खुद की तो नित्यता सिद्ध हो गई ना। क्या इसको चिंता होती नहीं कि वो नित्य है, इसका नाश होता ही नहीं। चिंता किस बात की भाई, ये तो अविनाशी है, पहले भी था अब भी है, अगड़ी रहेगा ही। तो धीरज तत्व मुहि थी, धीर नाम है पंडित का, नाम सोचते पंडिता के कारण उस पंडित को धीर को, इसमें वो मोहित नहीं होता, मोहित का दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता। जैसे बालक से जवान अवस्था में कोई दुखी नहीं होता, जवान से बूढ़ा अवस्था हो गई तो इसके कोई दुखी नहीं, बूढ़ा क्यों हो गया और क्यों हो गया, तो होता भी समय पाकर होता है, पुराना हो जाता है, मकान पुराना हो जाता है, शरीर पुराना हो जाता है, पुराना शरीर तो काम नहीं देता। आप हम सबको देख लो, हमारे को याद है जैसा उस वक्त में काम करते थे वैसा अभी नहीं कर सकते, शरीर बदल गया ना वैसा नहीं रहा, ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है तो शोक क्या है, ये सुख दूर हो गया, ये तो होता है। तो ये बात पर दोष लोगों में बताया, दोष लोगों में आते होता है मात्रा स्पर्शास्तु, जो इंद्रियों से जानने में आते हैं चीजें वे सभी मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, ये शीत उष्ण सुख दुख होता, शीत उष्ण हम अनुकूलता प्रतिकूलता के बातें करें, इसके द्वारा सुख दुख देने वाले ये संबंध है, ये कभी अनुकूल होता है कभी प्रतिकूल होता है। तो अनुकूलता देखो सुख दे देते हैं, प्रतिकूल दुख देते हैं, परंतु आगमा पाई ना, अनुकूलता भी आने वाली जाने वाली, प्रतिकूल कभी आने जाने वाली, अनित्य है। तो क्या करो, इसको सहल भाई, ये कैसे होगा, शीत काल भी आएगा, गर्मी काल भी आएगा, वर्षा काल भी आएगा, सुबह भी होगा, शाम भी होगी, दोपहर भी होगा, रात भी होगी, ये होगा, सांस्कृति स्वरूप सहल, इसको चिंता करता है क्या, सांझ होगी भाई, रात होगी, रोए बैठ कर रोइया, ठंडी आएगी, कपड़ा पहन लो भाई, अग्नि उताप लो, मकान में रहो, ये तो ठीक है, पर रोने से क्या होगा, दिन आ गया, गर्मी आ गई तो गर्मी रक्षा करो, छाया में बैठो, ठीक हुआ, ठंडा पानी पियो, भोजन करो, क्या बात, रोने की बात यही है, मात्रा स्पर्शास कौन थे, शीत सुख दुख था, आगमा पाई अनित्य, आने जाने वाले अनित्य। तो नाम सोचन थे पंडित साहब, वही बात धीरे सत्र मुहि थी, इसलिए भी ऐसे ही कहेंगे। तिथिक्षस ये आज्ञा दी सहलो, कहने क्या होगा सहने से, कि यंग ही ना व्यसंती थे पुरुषम पुरुषर सभा, हे पुरुषम श्रेष्ठ अर्जुन, जिसके ये व्यथा नहीं पहुंचाते, मानो जो सह लेता है व्यथित नहीं होता, सो अमृतत्व है कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है, उसका कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, केवल इस बात में व्यथा ना करे, आने जाने वाले अनित्य है, कैसी आफत आ जाए वो भी रहने वाली नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सही चला जाएगा, नहीं तो दुख आ जाएगा, और सुख आ जाए तो वो कौन सा ठहरेगा, वो ही ठहरेगा नहीं, ना दुख ठहरता है ना सुख ठहरता है। अलंग्य हम दिन रात्रि होते जगह, ये अलंग्य है, इसका उल्लंघन नहीं होता, जैसे दिन के बाद रात आती, रात के बाद दिन आता है, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अनुकूलता है प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता, किसी अंश में अनुकूलता किसी अंश में प्रतिकूलता, ये तो आते रहते, इनको तो सहना ही पड़ेगा और उपाय नहीं है। देखो महाभारत में अभिमन्यु मर गया, अभिमन्यु वो था अर्जुन का बेटा और भगवान कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उसका बेटा था,
तो अर्जुन का तो बेटा अरे भगवान का भांजा, भगवान की कितनी महिमा है, चाहे जो कर दे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, करने में न करने में और उल्ट फेर करने में समर्थ उसका नाम ईश्वर है। परीक्षित गर्भ में आया है, उत्तरा थी उत्तरा, अभिमन्यु की उत्तरा, उसकी गर्भ में बालक था, छोटी छोरी ही छोटी पैदा ही गर्भ, तो द्रोणी ने अश्वत्थामा ने पांडवों का कौरवों का पांडवों का वंश नष्ट कर देना, तो वंश कैसे नष्ट हो गए, इनकी संतान होने वाले नष्ट हो, वंश नष्ट हो जाएगा। वंश नाश का असली उपाय है संतान का नाश करना, जो आज लोग कर रहे हैं, ये वंश नष्ट करने का असली उपाय है, सब तरह से वंश नष्ट हो जाए ये उपाय है। इस बार अश्वत्थामा ने कहा अब पांडवों को नहीं मरते कोई परवाह नहीं, पर संतान नहीं हो मर जाएंगे, फिर मर जाएंगे, आगे पीछे चलेगी तो मर जाएंगे, तो असली वंश का नाश करने का उपाय तो नाश करना। द्रोणी ने अस्त्र चलाया, इसका गर्भ नष्ट हो जाए, वो तपस्या लगाना है, बड़ा तपा वाला मान आग की तरह आया उतरा गया, तो उसे घबरा गई, भीतर गर्भ में आ गया, हमारा पेट में भीतर में चला गया, भीतर जाकर तपड़े लगा, दूसरा हे नाथ हे नाथ कृष्ण भगवान की शरण गई। द्रोण्यस्त विप्लुष्ट मिदम मदंग, मेरा ऐसा उस अस्त्र से संतप्त हुआ, तो मातुष्ट में ये गर्व अंगत आया, मेरी माँ परीक्षित कहता परीक्षित सुखदेव जी से कि मेरी माँ भगवान की शरण गई, शरण गए भगवान रुगोप कुंगत आते सत्रह, तो भगवान पेट में चले गए छोटे से गर्भ में, तो एक बालक हुए तो पेट बड़ा हो जाए, अब फिर भगवान चले गए, और पर तो ऐसे सुख रूप गए जो कोई पता ही नहीं लगे, और ऐसे छोटा सा रूप पर चक्र हाथ में लगे, कुकृंगत आत चक्र, चक्र हाथ में लिया, उस बालक के बार बार घूम रहे, उस चक्र के तेज से वो असर नजीक नहीं आ सकता, वो बाहर घूम रहा है, उसे वो उस पर असर नहीं करता बच्चे पर, तो उत्तरा ने कहा कि मेरा सही भरी दग्ध हो जाए नष्ट हो जाए, परंतु संतान बीजम कुरु पांडवाना, कुरु पांडवों का संतान बीज है ये अगर नष्ट हो तो वंश ही खत्म हो जाएगा, इसका नाश न हो भगवान से प्रार्थना की, आज करते प्रार्थना भगवान से नष्ट हो जाए, गर्भपात हो जाए और गर्भ नहीं ठहरे, क्या विपरीत बुद्धि हुई है, राम 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 विनाश काले विपरीत बुद्धि, काम दातु मेरे मेरे सही को चाहे बेशक भस्म कर दे, पर इसका नाश न हो, वंश की बात है, अभिमन्यु मर गया इसे तो होगा नहीं, पांडवों के थे वो अश्वत्थामा मार ही दिए, वंश चलने का नहीं है, तो प्रार्थना भगवान ने सुन ली, तो भगवान रक्षा करते है हाथ चक्र ऐसे, तो मरते हुए की रक्षा भगवान कर सकते हैं ना, नहीं मन देते है, तेरा भी मन मर गया तो भगवान कभी ये तो होना रहे, ये तो मरेगा, रहने वाला रहेगा जाने वाला जाएगा, तो नाम सोचती पंडित इसमें सबका अनु धीर तत्म हुई थी, सो अमृत तत्व आय कल्पते वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, ये पांच लोगों में ये बात बताई, अभी बात करने की मन में ये आई थी कि आत्मा नित्य है, इस बात की सब ख्याल करो आप, उत्पन्न नष्ट होता है इसको लेकर चिंता होती है, ये है मूर्खता, ये तो मूर्खता है, उत्पत्ति विनाश है उत्पत्ति विनाश होगा, अरे अविनाशी वो अविनाशी रहेगा, तो उत्पत्ति विनाश वाले की भी चिंता नहीं करनी होगी तो उत्पत्ति विनाश होगा ही, अरे उत्पन्न नष्ट नहीं होता उसकी चिंता नहीं करोगे तो रहेगा ही, तो शोक नाश के लिए गीता का उपदेश है, पहले ये यार अंत में भी सर्व पापी मोक्ष से मां सोचो शोक मत कर, बस सीधी बात है, तो इन बातों में चिंता नहीं होनी चाहिए, ये अपने ध्यान करने की है, आत्मा नित्य है,
अगड़ी गया गीता में भूत ग्राम से वयम पहले युग में था वो ये समुदाय है भूतवा भूतवा प्रणी है पैदा होकर ही होता है तो पैदा होकर नष्ट होता है तो शरीर और भूत ग्राम से वही वही है भूत समुदाय है तो वो है नित्य तो आत्मा की नित्यता है इस बात के लिए आज भाई मन में कहने की बात कह रहे आप सत्य है व्यवहार से भी आता है शास्त्रों से भी आता है ये बात सीधी है चिंता नहीं करनी चाहिए अब कोई शंका हो तो बोलो इसमें अगर चिंता हो जाए तो अरे चिंता अपने आप हो जाए तो क्या तो नहीं और हो जाए तो हो जाए तो होने वाले मर जाएगी ये नित्य से जो पैदा होता है वो मरता है नियम है ये नियम है जो पैदा होता है मरता है होता है वो नष्ट होता है आता है वो जाता है उगे सो ये आत्मा है जन्म सो मर जाए श्रीया देवल ढह पड़े जाए सो फूले सो कुमरा श्रीया देवल ढह पड़े जाए सो मर जाए इनका चिंता करे हो जाए छोड़ दे तो मर से चिंता करे तो कोई फायदा तो होगा नहीं फर्क उसे पड़ेगा नहीं अजय चिंता छोड़ दी अब चिंता क्या करे वो तो आया है तो मरेगा मनुष्य आया है तो मरेगा चिंता आई है तो मरेगी क्रोध आया तो मरेगा कामना हुई तो मरेगी ये तो मरने मरने वाला से मरने की फौज है मरने वाला मर रहा है जब से आया तब से मरना शुरू हुआ है मनुष्य जब जन्मता है तब से मौत शुरू हो गई एक वर्ष का हुआ तो एक वर्ष तो मौत आएगी एक वर्ष तो मर गया कि नहीं सौ वर्ष का होने वाला है वो एक वर्ष का बालक हुआ तो एक वर्ष तो मर गया कि नहीं निदान मेरे है बाकी तो मर ही जाए मृत्यु संसार सागर तो मौत है संसार सागर तो मौत का ही है समुद्र में जैसे पानी पानी भरा है ऐसे संसार में मौत ही मौत भरी है और कुछ नहीं है तत्व सब मरने वाले हैं चिंता आ जाते कहते तो भाई इस चिंता के आग्रह तो मरने वाले हैं स्वयं से ठीक है अब यार कोरा मरने मरने वाला इकट्ठा हुआ और कुछ नहीं है सब रही सच्ची बात है झूठी तो सच्ची बात से तो चिंता नहीं होगी सच्ची बात नहीं मानो चिंता होगी सच्ची बात को मानने का उपाय बता दो जी मानने का उपाय तो मान लेना ही है और उपाय नहीं है मेरी जिंदगी क्या करे बताओ मरता तो कोई मरता तो कोई है ही नहीं कोई भगवान अरे भाई मर जाए तो अपन कर जाए मरे कोई आई किसी का नारायण 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 नारायण